कहते हैं इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जी हाँ वो कितना भी नाम और शोहरत क्यों ना कमा ले, लेकिन गलतियाँ हर किसी से होती हैं। कई बार ये गलतियाँ उनके स्टार्डम की वजह से भी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम में, यानी कि ट्रूथ ऑफ बॉलीवुड में। एक बार फिर से ट्रूथ ऑफ बॉलीवुड के इस प्रोग्राम में जिक्र करने वाली हूँ बॉलीवुड के शहंशाह महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन जिन्हें बॉलीवुड में उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग्स और उनसे जुड़ी तमाम अलग अलग कहानियों के साथ जोड़कर उन्हें याद किया जाता है। अमिताभ से जुड़ी हर रोज कोई ना कोई आप खबर जरूर पढ़ते होंगे। अमिताभ जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, खासकर अपनी फिल्मों को लेकर और अपने सामाजिक कार्यों को लेकर, साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी हर किस्से पर उनकी नजर बनी रहती है। लेकिन खुद अमिताभ बच्चन के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी जिंदगी में खुद भी उनकी ऐसी कई गलतियां हैं जिनकी सजा शायद अमिताभ बच्चन आज भी भुगत रहे हैं। आज भी शायद उन्हें ये पछतावा होता होगा कि आखिरकार उन्होंने ये काम क्यों किया। आपको बात करें अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन को हमेशा उनकी एक्टिंग के लिए सराहा जाता है और ये कहा जाता है कि अमिताभ जो भी आज मुकाम तक पहुँचे हैं वहाँ तक किसी भी स्टार का पहुँच पाना नामुमकिन होता है। जी हाँ, 80-90 के दशक से लेकर अभी तक अपने देखा जाए तो अपने करियर के बलबूते, अपनी एक्टिंग के बलबूते पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग छाप छोड़े रहना अगर सीखना है तो वो अमिताभ बच्चन से सीखा जा सकता है। लेकिन अमिताभ बच्चन के जीवन के से जुड़ी और बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो। उनमें से कुछ खास बातें, खास जानकारियां हम आप लोगों के लिए फिल्मी अड्डा पर लेकर आए हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं अमिताभ बच्चन का स्टारडम। एक ऐसा दौर आया जब अमिताभ बच्चन के पास फिल्में नहीं थी, कई उन्होंने फ्लॉप फिल्में की और फ्लॉप फिल्में देने के बाद वह अपना हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ चुके थे। इसके अलावा और भी कई जगहों पर अमिताभ बच्चन को रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट करने के बाद अमिताभ अपने आप से पूरी तरीके से हार चुके थे। लेकिन 1973 में जैसे ही उनके हाथ फिल्म लगी जंजीर और वो फिल्म हुई सुपर डुपर हिट, और इसके बाद अमिताभ के सिर चढ़ गया उनका स्टारडम। अमिताभ के जब स्टारडम उनके सिर पर चढ़ा तो वाकई में उनका रंग और ढंग दोनों ही बदलने लगा था। लोगों से बातचीत करने का तरीका, लोगों के साथ पेश आने का तरीका उनका पूरी तरीके से बदल चुका था। चलिए इनसे जुड़ी एक बात और एक खास जानकारी आपके बीच हम साझा करते हैं। मेगास्टार अमिताभ बच्चन को भला कौन नहीं जानता। उनकी पुरानी से लेकर नई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी ऑडियंस को पसंद आती है। वे ना सिर्फ दूसरे स्टार्स को बल्कि आम लोगों के बीच भी प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। बीते कुछ दिन पहले ही अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, लेकिन उस मौके पर अमिताभ की जिंदगी के साथ जुड़ी कुछ खास कंट्रोवर्सी पर भी लोगों की नज़र रही, जिनमें एक आता है उनके सर चढ़ा स्टारडम। साल 1973 में आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ को स्टारडम के नए मुकाम तक पहुंचा दिया। कहा जाता है सफलता मिलने पर स्टारडम अमिताभ के सिर चढ़ गया और वे दूसरे स्टार से लेकर अन्य लोगों को अपने आगे छोटा समझते हुए उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इसे लेकर उस जमाने के कई ऐसे एक्टर के इंटरव्यू भी सामने आए हैं, जिनमें से एक नाम कादर खान का भी रहा था। अब आपने देखा कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन के सिर पर स्टारडम चढ़ा और इसके बाद इन्होंने अपने रंग ढंग हर चीज को बदल लिया। अब ऐसे में भाई अपने आगे वो किसी और को कहाँ जाना देना चाहते थे। हर किसी व्यक्ति का ये सोच होता है कि जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में वो उनसे कोई आगे ना निकल पाए। लेकिन भाई इस बात को अमिताभ बच्चन ने कुछ ज़्यादा ही ले लिया। जब उनके नाम का सिक्का बॉलीवुड में चलना शुरू हुआ उस वक्त अमिताभ बच्चन ने बहुत से ऐसे स्टार हैं जिनकी जिंदगी, जिनका करियर उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। उसमें से एक नाम आता है शत्रुघ्न सिन्हा जी का। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बॉलीवुड के दिग्गज स्टार में से एक माने जाते हैं। शत्रुघ्न ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया है कि जब वो अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई फिल्में की जिनमें काला पत्थर और दोस्ताना जैसी फिल्में शामिल हैं, लेकिन
अमिताभ एक समय ऐसा आया जब उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को कई फिल्मों से बाहर किया है। चलिए आपको बताते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी दुश्मनी के साथ जुड़ी एक खास दास्तां। शत्रुघ्न सिन्हा और बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने काला पत्थर, नसीब, शान, दोस्ताना कई ऐसी हिट फिल्में दी, लेकिन इनके बीच गहरा रिश्ता होने के बाद भी इनके रिश्ते में दरार आई और इनके रिश्ते विवाद से घिरे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई इंटरव्यू से लेकर अपनी बायोग्राफी में भी इस बारे में जिक्र किया। उन्हें अमिताभ ने कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ अपने साथ स्ट्रॉन्ग स्टार को नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को कई प्रोजेक्ट से बाहर भी निकालवाया। और आज की अगर हम बात करें, आज की अगर हम जिक्र करें, तो जहां अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा पर कमेंट करते से बचते हुए नजर आते हैं, तो वहीं जब शत्रुघ्न सिन्हा से अमिताभ को लेकर कोई भी सवाल जवाब किया जाए तो वो पुरानी बातों को उलट देते हैं। देखा आपने, अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अमिताभ के अगले विवाद या फिर उनकी कहानी के बारे में, वो है रेखा के साथ उनका अफेयर। शादीशुदा होने के बावजूद रेखा के साथ अमिताभ बच्चन की जो चर्चाएं हैं उनकी प्रेम कहानी को लेकर, वो आज भी किसी से छिपी नहीं है। रेखा ने तो भाई सरेआम इस बात का खुलासा भी किया है और इस बात को स्वीकार भी किया है कि हाँ, वो अमिताभ बच्चन को प्यार करती थी। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस पे, जी हाँ, इन बातों पर खुलकर कभी भी टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन सच्चाई हर कोई जानता है। लेकिन इसकी वजह से अमिताभ ने क्या सोचा और अमिताभ के जिंदगी में इसका क्या असर पड़ा है, देखिए जरा। अमिताभ बच्चन का नाम अपनी को स्टार और खूबसूरत अदाकारा रेखा के साथ सालों से जुड़ता आया। उस समय बिग बी जया बच्चन से शादी कर चुके थे, इसके बावजूद इनके उन्होंने रेखा से नज़दीकियाँ बढ़ाती रही। आखिरकार जया ने कदम उठाया और सीधे रेखा से बात की। साथ ही अमिताभ को भी रेखा के साथ फिर कभी ना काम करने और किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखने की सख्त हिदायत दे दी। इसके बाद उनके, जी हाँ, जया बच्चन के इस कदम उठाने के बाद दोनों के बीच कभी भी नज़दीकियाँ नहीं आई। बात करें रेखा और अमिताभ की, तो इन्होंने अपनी आखिरी फिल्म सिलसिला में एक साथ काम किया था। अब आपने देखा, अब बढ़ते हैं अगले विवाद की तरफ, यानी कि बात करते हैं अमिताभ बच्चन की अगली गलती, और वो गलती है उनकी मीडिया के साथ नोकझोंक। आज जो मीडिया अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने को तरस जाती है, जी हाँ, अमिताभ बच्चन अगर कहीं पर भी जाते हैं तो मीडिया उनके साथ ज़रूर मौजूद होती है। लेकिन एक दौर ऐसा आया था कि इसी मीडिया ने, जी हाँ, इसी मीडिया ने इन्हें बैन कर दिया था। अब इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अमिताभ बच्चन ने एक नामचीन मैगजीन को बंद करने की कोशिश की। कारण ये था कि वो मैगजीन अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास विवादों पर टिप्पणी कर रही थी। ऐसे में उन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इसे बंद करने की कोशिश की। जी हाँ, मैगजीन का नाम था स्टार डेस्क। अब इसके बाद इन्हें क्या, अमिताभ बच्चन को इसकी, इस गलती की क्या सज़ा उन्हें मिली है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने उस दौर की एक बड़ी मैगजीन को अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए बंद करवाने की कोशिश की थी। और इसकी वजह क्या थी कि मैगजीन, जी हाँ, मैगजीन अमिताभ बच्चन से जुड़े विवादों पर आर्टिकल्स छाप रही थी। और ये बात बिग बी को कतई ही रास नहीं आया, जी हाँ, और उन्होंने इस मैगजीन को बंद करवाने की कोशिश की। इस कारण मैगजीन की कंपनी को काफ़ी नुकसान भी हुआ। बाद में सभी मैगजीन हाउस एकजुट हुए और उन्होंने एक्टर को बैन कर दिया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को कई जगहों पर, जी हाँ, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। फैंस की तरफ से उन्हें काफ़ी भद्दे और बुरे कमेंट्स भी सुनने पड़े। तो देखा आपने,
अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा मुड़कर, यानी कि राजनीति से तो थोड़ा परे हटकर बात करते हैं और बात करते हैं अमिताभ बच्चन की राजनीति के साथ जुड़ी जानकारी। यानी कि अमिताभ जब राजनीति में पहुंचे थे उस समय पर उनका साथ दिया था उनके खास दोस्त अमर सिंह, जो कि देखा जाए तो भारत की राजनीति में उनका एक खास नाम और एक खास पहचान है। और अमिताभ बच्चन यानी बच्चन परिवार के साथ अमर सिंह का एक खासा रिश्ता भी रहा है। ऐसे में एक दौर आया था जब अमिताभ पूरी तरीके से उनके एक कह सकते हैं कर्ज में डूबे हुए थे और साथ ही साथ उनका करियर भी ख़त्म होने के कगार पर आ गया था। लेकिन ऐसे में उनका साथ जो दिया था वो थे अमर सिंह। अब अमर सिंह के साथ भाई क्यों लिए अब अमिताभ बच्चन ने दुश्मनी और क्या ऐसी वजह आ गई थी जिसकी वजह से अमर सिंह को ऐसा लगने लगा था कि अमिताभ अब उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अमर सिंह जो कि आज के समय में राजनीति के एक जाने माने नाम माने जाते हैं, अमर सिंह एक समय बच्चन परिवार के सबसे करीबी माने जाते थे। जब बिग बी का करियर ग्राफ नीचे गिर रहा था और उस पर उन पर लोन बढ़ता जा रहा था, उस समय अमर सिंह उनके साथ बने रहे और एक सच्चे साथी होने के लिए, जी हाँ, एक सच्चे साथी होने के खातिर उन्होंने अमिताभ का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन बाद में इनका रिश्ता अनजान लोग जैसा ही हो गया। इस बारे में बात करते हुए अमर सिंह ने अमिताभ को लालची आदमी बताया था और कहा था कि बिग बी के मुश्किल समय में वे साथ थे, लेकिन जब उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी तो एक्टर ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। तो देखा आपने। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि चलते हैं अब आपको अमिताभ बच्चन के अगले विवाद की तरफ लेकर। अब अमिताभ देखा जाए तो भारत में अगर बॉलीवुड का जिक्र होता है तो अमिताभ की फिल्म में एक्टिंग और उनकी उनके साथ जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। लेकिन एक ऐसा भी विवाद आया जब बॉलीवुड के स्टार्स को घेरा गया और उस स्टार्स के नाम में, उन स्टार्स के लिस्ट में एक नाम अमिताभ बच्चन का था। पैनामा एक पेपर्स था जिसमें बहुत से स्टार्स का जिक्र था। अब बता दें ये पेपर्स क्या था, तो इसमें उन स्टार्स का नाम था जिन्हें लेकर के ऐसा कहा जा रहा था कि इन बॉलीवुड स्टार्स का भारत से बाहर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि गैर कानूनी है और इसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम मौजूद था। अब इसकी वजह से अमिताभ को क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, देखिए जरा। पैनामा पेपर्स में खुलासे किए गए और उसने दुनिया के कई ऐसे बड़े स्टार पर सवाल उठाए। इनमें से एक नाम अमिताभ बच्चन का भी रहा, उनका नाम भी इस लिस्ट में आया। हालांकि एक्टर ने अपना बचाव करते हुए कहा था कि विदेश में उनके किसी भी प्रकार की कोई भी, जी हाँ, प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कहीं पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। जिसे लेकर के देखा जाए तो अमिताभ का जिक्र कई बार हुआ है। तो देखा आप सभी लोगों ने, ये थे अमिताभ की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास पहलू, खास जानकारियाँ और खास बातें जो कि हम अपने इस फिल्मी अड्डा के प्रोग्राम में लेकर आए। अब आप सभी लोगों से, जी हाँ, अगर आप अमिताभ बच्चन से जुड़ी और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट और जानकारियाँ आपको मिलती रहे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।